वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आदित्य बंसल। आज मैं आपको बताऊंगा एक आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। दोस्तों, इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर किसी ने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ये मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी स्टॉक, बढ़िया कमाई होगी, बिटकॉइन से बनो करोड़पति, ये सारे वीडियो मेरे पिछले हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर देखिए आप। अब आगे अपने आईपीओ की तरफ चलते हैं। BRNL भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी 2006 में शुरू हुई और ये सब्सिडरी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साथ एंगेज्ड है। उसी की कंपनी है, उसी की सब्सिडरी कंपनी है श्रेय इंफ्रा के साथ, BRNL भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। आगे देखते हैं ये कंपनी करती क्या है, क्या काम करती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि रोड और हाईवे के सारे काम करती है। रोड या हाईवे को बनाना, मॉडिफाई करना, मॉडल तैयार करना, इसका प्रोजेक्ट पूरे भारत में, जैसे MP, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और सारे राज्यों में, बड़े राज्यों में इसके साथ पार्टनरशिप के साथ काम होता है। ये डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन सेवरल स्टेट, इंडिया के सारे राज्यों में ये काम करती है। कंपनी के कई प्रोडक्ट रेंज है, ये ऑफर कई प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कंपनी मेजरमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग और आदि। क्वालिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है इसके, ये अपनी क्वालिटी का भी कंट्रोल करती है। और इसके और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ये डेब्ट सिंडिकेशन और रिफाइनेशन और फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग इसके प्रोजेक्ट हैं। ये अपने काम को बहुत अच्छे संभालती है और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके हाथ में आते हैं और ये उनको पूरा करती है, जैसे रोड बनाना। कई आप सब जानते होंगे कि रोड के क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं, रोड में क्या क्या, हाईवे में क्या क्या काम होते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। दोस्तों, इनके पास अभी 6 BOT प्रोजेक्ट हैं। BOT का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। बिल्ड का मतलब बनाना, ऑपरेट का मतलब मॉडिफाई करना, और जहाँ जिसका प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करना है वहाँ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं ये। दोस्तों, इसके 2 अंडर फाइनल COD में चल रहे हैं और 3 प्रोजेक्ट अंडर प्रोविजनल COD में है और 1 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कि 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं लगभग। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, इससे पता चलता है कि ये कंपनी अच्छा काम करती है। आगे देखते हैं इसका इश्यू कब ओपन होगा। 6 सितंबर को इसका इश्यू ओपन होगा, 8 सितंबर को बंद होगा। ये बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। ये 600 करोड़ का साइज है इसका, 2,93,00,000 इक्विटी शेयर और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। इश्यू प्राइस 195 से 205 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 73 शेयर का है, मतलब आपको कम से कम 15,000 रुपये इसमें लगाना पड़ेंगे तब ये 73 शेयर आ पाएंगे इसमें। और इसकी बिड ऑफ़र 6 सितंबर को बिड शुरू होगी और 8 सितंबर को इसकी बिड क्लोज्ड होगी, और अलॉटमेंट 13 तारीख को मिलेगी। 14 तारीख को आपको पैसा रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है, और 18 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर ट्रेड करने लगेगा। दोस्तों, इसके लीड मैनेजर INGA कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड,
और इन्वेस्ट कैपिटल सर्विस इसके लीड मैनेजर हैं, ये कंपनी है। और ये कंपनी इसके प्रमोटर श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और मेक इन इंडिया फंड। दोस्तों आगे देखते हैं इसका रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू क्या है, इसके 5 साल पिछला रेवेन्यू देखते हैं अपन। इसका रेवेन्यू है, देखिए आप, 2003 2013 में 30.5 करोड़ था और 2017 में 149 करोड़ हो गया। दोस्तों ये लगातार माइनस में चल रही है, ये कंपनी घाटे में चल रही है, इसका लगातार घाटा बढ़ता घटता रहा है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सॉरी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये लगातार लॉस कर रही है। दोस्तों अगर किसी को इस आईपीओ में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, मेरा तो इसमें निवेश करने का कोई इरादा नहीं है। ये वीडियो मैंने आपको एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाया हुआ है। दोस्तों जब ये आईपीओ शुरू हो उस दे दोस्त के 2 दिन आप देखिए कैसी बिड रहती है। म्यूचुअल फंड की ज़्यादा होल्डिंग अगर आती है तो आप इसमें ज़रूर निवेश करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत समझदारी के साथ और बहुत जांच परख करके ही हर किसी चीज़ में निवेश करते हैं, तो उससे ही इसकी दिशा तय होगी। थैंक यू, बाय बाय।